प्रताप, वो देखो टापू, वाओ कितना प्यारा है। वहां चलते हैं ना उस टापू पे। अरे यार मुझे पानी से डर लगता है यार। प्रताप मुझे मालूम है, मैं तुम्हें स्विम करके थोड़ा बोल रही हूँ जाने को। हम जाएंगे बोट पे, और वैसे भी हम यहाँ घर के आ रहे हैं, कुछ तो डिस्कवर करना चाहिए। चलो चलो प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके चलो। वाह प्रताप कितना मजा आ रहा है। यार क्या जरूरत थी बोट में आने की, जरूरी थोड़ी है कि आइलैंड पे जाकर ही देखा जाए, हम दूर से भी देख सकते थे। अभी तो लाइफ में एंजॉय करो तो प्रताप, छोड़ो ये सब, टापू हमारे सामने है। आई एम जस्ट गेटिंग सो एक्साइटेड। सॉरी बेबी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। आई थिंक वी शुड मूव। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो हम वापस चलते हैं। डरावनी सुनसान जगहों पर अक्सर अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं। इस अद्भुत टापू के बारे में भी बहुत सारी डरावनी कहानियां मशहूर हैं। लेकिन सब बकवास है। देखना सुकुमार, एक दिन इसी टापू पर मेरा रिसॉर्ट बनेगा, और फिर तमाम प्राइवेट बोट्स और याच के शोरगुल से भूतों को नानी याद आ जाएगी, और एक दिन भूतों को तुम दबाकर यहां से भागना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से राजन थडानी के सर पर से भी टापू पर रिसॉर्ट बनाने का भूत उतर जाएगा। तुम सुन रहे हो ना सुकुमारन, मेरी इस दूरंदेशी की तुम अकेले विटनेस हो, और एक दिन तुमको ही मीडिया के सामने जाकर मेरी इस दूरंदेशी की तारीफ करनी होगी। और सर सर, आपकी उड़ान का वक्त हो गया है, जल्दी कीजिए वरना अंधेरा हो जाएगा। फिर शुरू हो गई तुम्हारी वही बकवास। हाँ हाँ, अब तो मेरी बातें तुम्हें बकवास ही लगेगी ना। वो क्या बड़े प्यार से बात करती है जो सब कुछ उस पर लुटा रहे हो। गॉड सेव पद्मा, यहाँ पर ये सब शुरू मत करो। तुम्हें मालूम है कि इस रिसोर्ट के पीछे, इस प्रोजेक्ट के पीछे मेरा कितना पैसा लगा हुआ है। जब भी कोई नया काम शुरू करो हर बार बीच में टांग अड़ा देती। तुम तो इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हें कहीं अपने साथ लेकर जाऊँ। अरे तुम्हारे साथ जाना भी कौन चाहता है। आज के बाद मुझे तुम्हारी ये बिजनेस डील्स और बिजनेस प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। In fact, to hell with your this dream project. एक बात हमेशा याद रखना मोहन, जो इंसान किसी और को ऊपर से गिराने की कोशिश करता है ना, वो खुद एक दिन इतनी ऊंचाई से गिरता है कि उसका पता भी नहीं चलता। I don't care. सुकुमारन, पायलट को फौरन इंजन ऑन करने के लिए कहो। सॉरी सर, लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर आप अपनी यात्रा कल तक के लिए टाल दें। अंधेरा भी होने वाला है और आपको तो मालूम ही है कि वो टापू शापित है। और देखो, तुम अपनी मनगढ़ंत कहानियों और झूठी बातों से मेरा इरादा नहीं बदल सकते। अरे तुम्हें मेरे एक दिन की कीमत मालूम है। सर इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप जैसे इंपॉर्टेंट आदमी को ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। देखो मुझे अभी और इसी वक्त निकलना है। दिस इज माय ऑर्डर। ओके सर। देखो भूत प्रेत। ऐसा होता है क्या कभी? टापू की चट्टान लोगों को खा रही है, इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्ली ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं नहीं मानता इनमें। सर मैं भी इन सब बातों को नहीं मानता, आप बिल्कुल सही कह रहे। चल फिर अपना काम करते, बाय। बिल्कुल, हम आपको ये बता दें कि हमने पुलिस के आला अधिकारियों से बात की है। उनके मुताबिक एक स्पेशल टीम चॉपर के बचे कुचे हिस्सों की खोज के लिए रवाना हो चुकी है। देखते हैं कि क्या पुलिस इस रहस्य तक पहुंच पाएगी या नहीं।
ये सब मेरी शक्ति का प्रकोप, मैंने ही उस टापू की खूनी चट्टान को जगाया है और मोहन आर्या के प्राणों की आहुति दी है। अब वो टापू कभी नहीं सोएगा, स्वयंभू। लेकिन स्वामी जी, आपने ऐसा क्यों किया? अपने शिष्य राजन थडानी की इच्छा पूर्ति के लिए। वो नहीं चाहता था कि मोहन आर्य उस टापू पर रिसोर्ट बनाए, और मैंने उसे आश्वासन दिया कि मोहन आर्य इस जन्म में तो क्या कभी भी वहां रिसोर्ट नहीं बना पाएगा। मेरे मुख से निकले एक एक शब्द में कितनी शक्ति है। स्वयंभू। मैं कब से आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। चलिए बाबा, अब बाकी ज्ञान जेल में बांटिए। स्वयंभू। मूर्ख, तू उसे हथकड़ी लगा रहा है जिसने कल तेरे साथियों को मार डाला। अरे मैं ही हूँ उस टापू का रखवाला, स्वामी राजनाथ से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। विश्व में अभी ऐसा कोई कारागार बना ही नहीं जो मुझे स्वामी राजनाथ को बंदी बना सके। ये मूर्ख मुझे बंदी बनाकर अपनी मूर्खता का सबूत दे रहे हैं। तुमको नहीं लगता कि तुमको भी ये सब बातों में बिलीव करना चाहिए? अरे अखा सच सारी दुनिया के सामने आ गया है। पुलिस भी उधर जाने से मना कर रहे हैं, और तो और वो स्वामी राजनाथ है ना, उसने सबके सामने खूनी चट्टान को जागने की बात बोली है। ये सब विश्वास की नहीं, अंधविश्वास की बातें हैं मिसेस बिलमोय। आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि पुलिस भी इस चक्कर में आकर वो गिरफ्तार कर लिया उसको। क्या नाम था उस उद्योगपति का? राजन थडानी। दिव्या थडानी, राजन थडानी जी की बेटी। मैं एक ऐसी अनफॉर्चुनेट बेटी हूँ जो अपने फादर को बचाना चाहती है। आपके पिताजी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि कानून की किताबों में ऐसा कोई कलम नहीं जहाँ पर ये जो तंत्र मंत्र है इनके बारे में सोचने पर किसी को गिरफ्तार किया जा सके। नहीं, दरअसल एक बात और भी है। जिस हेलीकॉप्टर से ये एक्सीडेंट हुआ वो एक्चुअली मेरे पापा की कंपनी का ही था, और पुलिस का मानना ये है कि उस चॉपर की मेंटेनेंस में कुछ कमी थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ है। मॉम की डेथ के बाद उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इस वजह से उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं करी। जो इंसान अपनी बेटी को इतना प्यार कर सकता है भला वो किसी की जान क्यों लेंगे? आप ही हैं जो उन्हें इस मुसीबत से बचा सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके रहते हुए किसी बेगुनाह को सजा नहीं हो सकती। दिव्या जी, ये बात तो सही कही आपने। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए किसी निर्दोष को सजा मिले। इससे पहले पता लगाना पड़ेगा आपके पिताजी निर्दोष है या नहीं। यही बात है यार, भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया में इंसान को जन्म दिया, इंसान ने पैसों को जन्म दिया और पैसे ने लाभ ईर्ष्या दुश्मनी को जन्म दिया। ये केस भी ऐसा ही कुछ है योर ऑनर। राजन थडानी और मोहन आर्या दोनों बिजनेस राइवल्स थे, लेकिन पिछले कुछ समय से राजन थडानी जी को भारी लॉसेस उठाने पड़ रहे थे मोहन आर्या जी की वजह से। इनका गुस्सा बढ़ा, इनकी लालच ईर्ष्या और बढ़ी, और बदला लेने के लिए इन्होंने मोहन आर्या जी का खून कर दिया। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, 10 मिनट में साबित भी कर दूंगा, और साबित करने के लिए योर ऑनर मैं स्वर्गवासी मोहन आर्या जी की पत्नी पद्मा आर्या को यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। जी, आपके पति स्वर्गवासी पति मोहन आर्या जी उस दुर्घटना की जगह पे क्यों गए थे क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, वो दीव के पास एक टापू पर अपना रिसोर्ट बनाने वाले थे, इसी सिलसिले में वो उसकी सर्वे के लिए वहाँ गए थे। योर ऑनर, ऐसी जन्नत जैसी जगह पे एक लग्जरी रिसोर्ट बनाना किसी भी इंसान के लिए फायदे का सौदा हो सकता था, करोड़ों का फायदा। जहाँ तक मेरा मानना है राजन थडानी जी भी उसी टापू पर एक रिसोर्ट बनाना चाहते थे, क्या ये सही है? जी, दरअसल इस डील के लिए राजन और मेरे हस्बैंड दोनों ने बिड की थी, लेकिन बिड मेरे हस्बैंड ने जीत ली थी। यानी कि राजन जी हार गए,
और इसी वजह से उनको गुस्सा आया और उन्होंने जो भी जो कत्ल किया उसी वजह से किया। और एक वजह भी है और मैं साबित कर सकता हूँ योर ऑनर, कुछ पार्टी वगैरह में कुछ मिले थे कुछ दिन पहले, क्या हुआ था उस पार्टी में? अरे जिस पोजीशन को पाने के लिए मुझे सालों साल लग गए उसे कोई भी कल का आदमी मुझसे आके छीन लेगा और मैं देखता रहूंगा। इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते राजन थटानी। अरे राजन की हुकूमत पर नजर डालने वाले को राजन मिटा के रख देता है। जी 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 जी, इतनी बड़ी हस्ती और इतनी गिरी हुई हरकत। जरा ने देखी ना, अगले दिन न्यूज़पेपर्स में भी सारे ये खबरें छपी थी। मशहूर बिजनेसमैन राजन थडानी ने उभरते हुए बिजनेसमैन मोहन आर्या को भरी महफिल में दी धमकी। वो धमकी नहीं, एक टकरार थी जा साहब। उसने भी शराब पी रखी थी, मैंने भी शराब पी रखी थी, बस हो गई टकरार। वो टकरार नहीं, एक धमकी थी। उस धमकी को अंजाम दिया था आपने मोहन आर्या को। मार के दुनिया जानती है कि जब राजन थडानी के साथ कोई इंसान दुश्मनी मोल लेता है तो उसी का मौत के घाट उतर जाता है। 10 साल पहले भी योर ऑनर ऐसा ही कुछ हुआ था, अखबारों में आप आए थे या नहीं? ये सब गलत है, वो सब खबरें झूठी थी। तो क्या ये भी झूठ है कि 3 दिन तक आपको पुलिस ने हिरासत में रखा था? अलग बात है कि आपके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पा गया था इसलिए आप छूट गए थे। हुआ था यूं कि इनकी पत्नी की मौत हुई थी, हत्या हुई थी, लेकिन इन्होंने आत्महत्या करार कर दिया था। I object your honor. जिस घटना की जायसवाल साहब बात कर रहे हैं उस घटना में मेरे मुवक्किल के विरुद्ध कोई साक्षी कोई सबूत नहीं मिला था जिससे ये प्रमाणित हो कि इनकी पत्नी की हत्या इन्होंने की। लेकिन आज इस केस में पाठक साहब मेरे पास साक्षी भी है और साक्ष्य भी है जो साबित कर देगा कि थडानी जी ही हत्यारे हैं, खूनी हैं। ये सच नहीं है, पापा खूनी नहीं है, उन्होंने कोई खून नहीं किया है। आप बीच में मत बोलिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, ये आपका घर नहीं अदालत है। ठीक कह रहे हैं आप मिस्टर जायसवाल, ये आपका भी घर नहीं अदालत। योर ऑनर, मैं अदालत से आग्रह करता हूँ कि आप प्रोसिक्यूटर साहब को सचेत करें कि अपनी दलील और अपने तेवर सीमा में रखें। लेकिन योर ऑनर जायसवाल, आप अपनी भावनाओं पे काबू रखिए और आपके पास अगर कोई ठोस सबूत है तो इस अदालत के सामने पेश कीजिए। ठीक है योर ऑनर, सबूत पेश किए देते हैं स्वामी राजनाथ, जो इस केस के अहम कड़ी है योर ऑनर। और ये मानना भी गलत नहीं होगा कि जितने जिम्मेदार राजन जी हैं इस केस के लिए उतने ही जिम्मेदार स्वामी राजनाथ भी है, और इसका सबूत खुद वो दे चुके हैं मीडिया और दुनिया को। एक मिनट राजन जी, क्या ये सच है कि आपको मोहन आर्या से जलन थी? जज साहब, नहीं नहीं, हाँ या ना? देखिए बिजनेस में तो ऐसी बातें होती रहती है। नहीं देखना नहीं है, हाँ या ना? हाँ। अब ये भी बता दीजिए कि मोहन जी को मारने के लिए आपने स्वामी जी से संपर्क किया था, हाँ या ना? मैं आपको कैसे समझाऊं, मैंने उसे सिर्फ मोहन को रिसोर्ट की तीर रोकने को कहा था, मुझे थोड़े पता था कि वो उसकी जान ले लेगा। स्वयंभू, जीवन और मृत्यु हमारे इशारे पर चलते हैं। मूर्ख, क्या मैं उसे जीवन दान दे देता या मिठाई से उसका स्वागत करता? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब अगर दे देते आप तो बेहतर होता कि मोहन जी को लेके आप दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई थी बताइए। आज से कुछ महीने पहले ये राजन भी आया था एक विनती लेकर। इसने मुझसे कहा कि स्वामी जी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। इसने मुझे मोहन आर्य के बारे में सब कुछ बताया, सब कुछ, और ये भी बताया कि मोहन आर्य की वजह से ये किस प्रकार कर्जे में आ गया। इसने कहा यदि उसे टापू पर रिसोर्ट बनाने का काम मिल गया तो ये स्वयं रास्ते पर आ जाएगा, तो मैंने इसे आश्वासन दिया, इससे कहा कि मोहन आर्या इस जीवन में तो क्या, यदि मरने के पश्चात 184,000 योनियों के बाद भी मनुष्य बना तब भी उस टापू पर रिसोर्ट नहीं बना सकता। सत्य वचन, जो आपने कहा वैसा ही हुआ।
जीवन भर बेचारे मोहन जी मरे तब तक वो टापू पे रिसोर्ट नहीं बना पाए राजन जी के कहने पर। स्वयंभू, स्वामी राजनाथ का वचन अटल होता है। ठीक वही हुआ जो राजन चाहता था। मैंने भूतिया टापू के दानव को अपनी शक्ति, अपनी साधना, अपनी तंत्र मंत्र विद्या से जगा दिया और उसके पश्चात टापू के दानव ने मेरी अनुमति से मोहन आर्य को कच्चा निगल लिया। गुड स्टोरी योर ऑनर। ये ढोंगी और मिथ्यावादी स्वामी अदालत में जो कथन दे रहा है ये केवल इस केस की दिशा को भटका रहे हैं। इनके इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता योर ऑनर, क्योंकि इनका हर दावा निराधार है। ये केवल प्रसिद्धि पाने के लिए इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, ये हथकंडे अपना रहे हैं और कुछ नहीं। हो बड़ी शर्म की बात कि अपनी रोजी रोटी की दुकान चलाने के लिए ऐसे सस्ते और घटिया तरीके ये स्वामी जी अपनाते हैं। और ऐसे प्रचार के बाद, इन हथकंडों के बाद, इनकी इनके भक्तों की संख्या बढ़ गई है। करोड़ों रुपयों का लाभ हुआ है इनके ट्रस्ट को। यूनो ये सोचने वाली बात है और ऑनर की एक व्यक्ति जो मेरे मुवक्किल को हाँ उस टापू पर रिजॉर्ट बनाने का सौदा नहीं जितवा पाया, वो उस टापू पर दानव को कैसे जागृत करेगा? ये दानव टापू, भूतिया टापू बकवास बातें हैं। स्वयंभू, खामोश नादान, मेरी शक्ति, मेरी साधना पर शक कर रहा है। यदि मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण इस कोर्ट में अपनी शैतानी शक्ति का सबूत दे सकता हूँ, भूतों का तांडव करवा सकता हूँ। तो इसकी चेतना भी लुटा सकता हूं। स्वयंभू, ऑर्डर ऑर्डर। आप ऐसी हरकत कोर्ट रूम में नहीं कर सकते। अगर आपने ये सब फौरन बंद नहीं किया तो मजबूरन मुझे आपको कस्टडी में लेने का आदेश देना पड़ेगा। मैं अपनी क्रिया अवश्य बंद कर सकता हूं यदि ये वकील का बच्चा आपका केडी पाठक व्यर्थ की बातें करना बंद कर दे। मूर्ख, तुझे पता है कि वो टापू कब से श्रापित है? अरे जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से। स्वतंत्रता से पूर्व पूरे अंग्रेज ऑफिसर वहां जाने से भयभीत थे। अरे तू जानता है कि कितनी नौकाएं, कितने जहाज वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं? अरे मूर्ख, ये टापू 10 साल पहले एक जहाज को खा गया। तत्पश्चात 8 वर्ष पूर्व एक स्टीमर को 3 व्यक्तियों के साथ निकल गया। अब बोल क्यों, ऐसा किस लिए? हो गया आपका, बोल लिया आपने। अरे जयसवाल साहब बैठिए ना कहीं, आपको बैठिए। तो क्या है कि अपने कर्तव्य से बाध्य होकर मैंने इस विषय में जरा छानबीन की। जिस नौका की आप बात कर रहे थे, जो नौका उस टापू पर डूबा था, जब वो नौका डूबा था उस दिन वहां एक बहुत ही भयानक आंधी चली थी और उस आंधी के कारण डूबा था।
और बचने वालों में एक ही व्यक्ति था जिसने जाकर ये मनगढ़ंत कहानी गांव वालों को सुनाया, उन्हें भयभीत किया। इसी प्रकार से जो जहाज डूबा था, जिस जहाज की आप बात कर रहे हैं, वो उस टापू से 10 किलोमीटर दूर डूबा था तकनीकी खराबी के कारण। सत्य तो यह है कि ये सब उसी टापू ने किया है। आश्चर्यजनक बात है कि इसी प्रकार की बातें बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में भी की जाती थी कि समुद्र का वो हिस्सा जहाजों को विमानों को खा जाता है। लेकिन विज्ञान ये स्पष्ट कर चुका है, साबित कर चुका है, प्रमाणित कर चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बातें मिथ्या है। और आज हमारे पूज्य स्वामी जी ये मनगढ़ंत कहानियां फैलाकर गांव वालों को भयभीत कर रहे हैं, केवल और केवल इनके व्यापार के प्रचार प्रसार के लिए। किड़ी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। कानून की किताब में अलौकिक बातों के लिए कोई जगह नहीं है। और मिस्टर जायसवाल, आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो पेश कीजिए। है ना योर ऑनर, सबूत है मेरे पास, और ये साबित करने के लिए मुझे अगली तारीख लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज ही साबित कर दूंगा। अब भी 10 मिनट में केस भी शायद जीत जाऊं मैं। योर ऑनर, जिस चॉपर में मोहन आर्या जी की मौत हुई, वो चॉपर थडानी चार्टर फ्लाइट्स का था। और दूसरी ये बात भी कहना चाहूँगा कि आम तौर पर जब थडानी जी, राजन जी अपने जो हेलीकॉप्टर्स भाड़े पे देते हैं तो बहुत बड़ी कीमत वसूल करते हैं, लेकिन जब मोहन आर्या जी को उन्होंने ये चॉपर दिया, उस टापू पे जाने के लिए एक पैसा भी नहीं, बदले में ले ली मोहन आर्या की जान। कहिए ना मिस्टर थडानी, आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन मोहन आर्या जी को मुफ्त में चॉपर क्यों दिया? मैं कभी भी उसे मारना नहीं चाहता था। हाँ, इस नाजुक वक्त में मैंने जंतर मंत्र का सहारा लेने की कोशिश जरूर की थी, पर मेरा मकसद उसे हराने का था, ना कि उसे जान से मारने का। हाँ, उस पार्टी में जो भी हरकत हुई उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे एक बार राघव का फोन आया तो उसने मुझे बताया कि मोहन को एक चॉपर की जरूरत है। मैंने राघव से कहकर मोहन के लिए एक बढ़िया चॉपर का इंतजाम भी करवाया था, और साथ में उससे ये भी कहा था कि कंपनी उससे कोई चार्ज नहीं करेगी। मैंने मोहन से सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। और साथ में आपने हाथ बढ़ा के ऐसा तोहफा दे दिया भयानक श्राप रूप में, जिसकी वजह से मोहन आर्या जी बेचारे हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। एक मिनट जायसवाल साहब, चलिए माना कि राजन जी ने मोहन आर्या जी को अपना हेलीकॉप्टर बिना किसी मूल्य के दिया, किंतु इससे ये कहां साबित होता है कि मोहन जी की हत्या राजन जी ने की? लेकिन उससे तो होता है। ओ, है ना मेरे पास ये सबूत है, डॉक्यूमेंट्स योर ऑनर। येट अनदर एफर्ट बाय मिस्टर राजन थडानी टू कमिट येट अनदर मिस्टीरियस मर्डर। राजन जी के जिस चॉपर में मोहन आर्या जी की मौत हुई है, उसी चॉपर के कागजात है। आमतौर पर हर हेलीकॉप्टर की साल में 3 बार सर्विस करवानी जरूरी होती है, उसके बगैर उड़ान भरना नियमों का उल्लंघन करना है। लेकिन इस कागजात से यह साबित होता है कि उड़ान के नियमों का उल्लंघन किया गया था जानबूझकर। क्यों? क्योंकि राजन जी मोहन आर्या जी को भी अपनी पत्नी की तरह एक ऐसी मौत देना चाहते थे जिसका इल्जाम कभी भी इन पर ना लगे। हुआ यूं योर ऑनर कि जैसे ही इनको पता चला कि मोहन आर्या जी को एक चॉपर की जरूरत है, तो इन्होंने वो बिना सर्विस किए वाला, बिना जांच किए वाला जो हेलीकॉप्टर था वो बेच दिया उनका यमदूत बनाकर। जी नहीं, ये होना नामुमकिन है। मेरी कंपनी के हर चॉपर की टाइम से सर्विस होती है, ये हमारी कंपनी का अहम उसूल है। ये क्या है, आपकी कंपनी का ही ये सर्विस रिकॉर्ड है? देखिए जरा गौर से देखिए, ये देखिए इसमें तो वो सारा कुछ लिखा हुआ है कि हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस नहीं हुई, लास्ट कभी हुई थी, कब होने वाली है, क्या है? हाँ, है तो ये हमारी कंपनी का ही, मगर इसमें भी कोई जरूर बेईमानी की गई है। योर ऑनर, अगर राजन थडानी साहब के बातों पर विश्वास न करें, सर्विसिंग नहीं करवाई गई इसका ये अर्थ नहीं होता कि दुर्घटना होना 100% निश्चित है। उस हेलीकॉप्टर के जमीन पे गिरने का कारण कुछ और भी हो सकता है, और वो कारण क्या था जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, मेरे मुवक्किल राजन थडानी पर हत्या का आरोप लगाना उचित नहीं है। हमें पता लगाना चाहिए कि उस हेलीकॉप्टर के जमीन पे आ गिरने का कारण क्या था। इस समय योर ऑनर, मैं एक अहम गवाह
सुकुमारन जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। सुकुमार जी, अगर आर्या साहब टापू पर जाना चाहते थे तो चले जाते दोपहर में ही, दिन ढलने की प्रतीक्षा क्यों की? हुआ यूं था कि To hell with your this dream project। जो इंसान किसी और को ऊपर से गिराने की कोशिश करता है ना, वो खुद एक दिन इतनी ऊंचाई से गिरता है कि उसका पता भी नहीं चलता। पति पत्नी के बीच घरेलू झगड़ा, तो क्या था इस झगड़े के पीछे कारण? संकोच हो रहा है तुम्हें बोलते हुए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। योर ऑनर, दो वर्ष पूर्व एक जलसे में आर्या साहब की भेंट पद्मा जी से हुई और देखते ही देखते उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी के साथ विवाह विच्छेद करके पद्मा जी से विवाह कर लिया। उसके कुछ समय बाद ही पद्मा जी जान गई कि महिलाओं के मामले में आर्या साहब का चरित्र कुछ ठीक नहीं। जिस समय आपके साथ विवाह हुआ उनका, किसी और महिला के साथ उनका चक्कर चल रहा था, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ मिलोर, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। मेरे और उनके बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे और झगड़ों की वजह भी यही थी, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि मेरे हस्बैंड का खून मैंने किया है। हाँ, किंतु मेरे पास कुछ ऐसे साक्ष्य पद्मा जी जो ये संकेत देते हैं कि संभवतः आप ही ने अपने पति की हत्या की है। ये आश्चर्य की बात है कि विवाह से पूर्व मिस पद्मा एक प्रशिक्षित वैमानिक अभियंता थी, एरोनॉटिकल इंजीनियर। इससे स्पष्ट होता है कि उस चॉपर की तकनीकी बातों के बारे में इन्हें पूरा पूरा ज्ञान रहा होगा। इस केस के चश्मदीद गवाह ने हमें बताया कि उड़ान भरने से पहले पद्मा जी उस चॉपर के इर्द गिर्द घूम रही थी और फिर अचानक आपने अपने पति के साथ उस चॉपर में उड़ान भरने से मना कर दिया, तो संभव है कि आपने ही उस चॉपर में कोई तकनीकी खराबी की हो और आपके पति जो किसी और महिला के साथ चक्कर चला रहे थे, इसका बदला लेने के लिए आपने उनकी हत्या की हो। वाओ, ग्रेट थ्योरी वकील साहब। थैंक यू। लेकिन अगर आपको इतनी जानकारी है कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी स्पेशलाइजेशन एयर बस में है, ना कि चॉपर्स में है। तो आपको क्या लगता है वकील साहब, चॉपर के और एयर बस के मैकेनिज्म में क्या फर्क है? चलिए, इतना तो श्योर है कि यहाँ आने से पहले आपने भी एरोनॉटिक की पढ़ाई ठीक से कर ही ली होंगी। आप ही बता दीजिए हम सबको, क्या चॉपर का और एयरबस का मैकेनिज्म सेम होता है? प्लीज बताइए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पाठक साहब एक इज्जतदार महिला पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर केडी, मिस पद्मा के एयरबस में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने से ये कतई साबित नहीं होता कि चॉपर में टेक्निकल फॉल्ट उन्होंने किया है। इसलिए आपको ये पता लगाना चाहिए कि पुलिस की छानबीन में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सही वजह क्या है। सर, इस हादसे के बाद कोई भी उस सुनसान टापू पर जाने को तैयार नहीं, इसलिए हम चॉपर के बचे खुचे हिस्से भी इकट्ठे नहीं कर पाए। मैंने कहा था ना कि उस चट्टान पर शैतान का श्राप है। तुम अपना समय व्यर्थ ही नहीं, अभी तुम नष्ट कर रहे हो। मूर्ख, तू मेरी साधना, मेरी शक्ति पर शक कर रहा है। तुझे कोई सबूत नहीं मिलेगा। वो श्राप मोहन आर्या के लिए मैंने लाया था, और वो श्राप मैं किसी के लिए मिला सकता हूँ। तू केवल नाम बोल। राजनाथ, अगर अब आपने एक शब्द भी बोला तो आपको इस अदालत से बाहर कर दिया जाएगा। पुलिस को इस मामले में और ठोस सबूत इकट्ठा करने के लिए 2 दिनों का वक्त दिया जाता है। यह अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। सच्चाई तक पहुंचना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। फिर ये देख, ये खाड़ी एक तरफ से समुद्र के साथ जुड़ी हुई है और वहां नौसेना की जहाजें भी खड़ी हैं। बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। समझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहां जाते ही सारी बातें समझ में आ जाएगी। चल, वहां जाने का प्रबंध कर।
कितना प्रसिद्ध है ये टापू, ये पर्यटन स्थल? इस जगह के बारे में अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। अच्छा, इसलिए आपके होटल के कमरे हमेशा खाली रहते हैं। चलिए जो भी हो, आप बताइए वहाँ जाने का रास्ता कहाँ है, मुझे जाना है वहाँ। लेकिन इस वक्त आपको वहाँ जाने के लिए कोई मिलेगा नहीं। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? कहीं सर, हाँ, गांव के कुछ लोगों ने वो रोशनी देखी, उनका मानना है कि वो एक पुथिया टापू का एक प्रकोप है। अच्छा, बड़ी रोचक बात है। सुकुमारन जी, आपको कभी ऐसी कोई रोशनी दिखाई दी? आप तो यहीं रहते हैं होटल में। चलिए जो भी हो, चलते हैं, हम ढूंढता हूँ कोई रास्ता उस टापू का। एडी पाठक, कौन बोल रहे हैं आप? काम में क्या रखा है साहब, बस आपका काम बन जाए। जो आप ढूंढ रहे हो, उस हर सवाल का जवाब है मेरे पास। अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी इसी समय बंगलो नंबर 114 में पहुंच जाए। ठीक है सुकुमारन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी बात जरा मेरी बुद्धि में देर से घुसी। ट्यूबलाइट, सही कहा, हमें उस टापू पर नहीं जाना चाहिए। आप चलिए, हम लोग यहीं हैं, जरा हवा खाते हैं। जी सर, ओके। फिर से आपका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अभी अभी जिस व्यक्ति का फोन आया था, उसने कहा कि उसके पास कुछ ऐसी जानकारी है जिससे ये केस सुलझ सकता है। मैं जाता हूँ उससे मिलने। सर, मैं भी आपके साथ चलूँ? नहीं, तू यहीं रुकेगा, उस टापू पर ध्यान रखेगा। मेरे बैग में दूरबीन पड़े, निकाल लेना, और अगर कुछ हो, कुछ दिखाई दे, तो वहां मत जाना, वो जगह खतरे से खाली नहीं। इंस्पेक्टर चतुर्वेदी को इन्फॉर्म कर देना। थैंक यू। वरुण, बहुत गड़बड़ चल रही है। सर, यहाँ भी बहुत गड़बड़। सर, वो रोशनी देखी आपने? केडी कहाँ है? योर ऑनर, एज फार एज आई नो, केडी वो वरुण को लेकर उस टापू पर गया है। कल रात को ही बात हुई थी मेरी उनसे, तब वो प्लानिंग कर रहा था वो टापू पर जाने के लिए, कुछ रिसर्च के बारे में बता रहा था। उसके बाद मेरी बात ही नहीं हुई उनसे, दोनों फोन्स आउट ऑफ रेंज आ रहे हैं। मैंने कहा था उस मूर्ख से, मेरे दानव टापू से पंगा मत ले, किंतु उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब इन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु का मैं जिम्मेदार नहीं। जीवन और मृत्यु तो उसके हाथों में होती है सुहास जी, आपके हाथों में नहीं। वैसे आपको इस समय अपनी चिंता करनी चाहिए, कुछ ही समय में आपका ये गंदा अवैध खेल शेष होने वाला है। देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। योर ऑनर, शुरू से शुरू करते हैं। एक बात मुझे परेशान कर रही है, पद्मा जी के अतिरिक्त कई और लोगों ने ऐसा बोला कि हेलीकॉप्टर क्रैश के ठीक पहले उन्होंने एक तीव्र रोशनी देखी। इस केस में जो टापू है, वो टापू जिस खाड़ी में, वो खाड़ी पानी के गलियारे से समुंदर से जा जुड़ता है। यहां से गुजरने वाले हर जहाज पर मर्चेंट नेवी की नजर है।
योर ऑनर, विशेष बात यह है कि पिछले एक साल तीन जहाज, एक पुर्तगाल से, एक स्पेन से और एक केप टाउन से, ये तीनों जहाज अपने पथ से हटकर उस पानी के गलियारे के मुख पर टापू से 5 किलोमीटर दूर जा पहुंची। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अचानक पाठक साहब नेवी के रिकॉर्ड्स डिस्कस करने लगे हैं इस केस में, क्या ताल्लुक क्या है इस केस में उससे? ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत ही गहरा ताल्लुक है। ये मर्चेंट नेवी की सूची के अनुसार उन तीनों जहाज बहुमूल्य सामान था योर ऑनर, सोना। जब आर्या साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उस समय वहां उस टापू पर और भी गतिविधियां चल रही थी। अब सच मुझे तो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अदालत में इस सच पर रोशनी डालने के लिए मैं इंस्पेक्टर दवे और उनके साथ जो व्यक्ति हैं उन्हें अदालत में लाने की अनुमति चाहूंगा। योर ऑनर, ये तात्या ताबड़े अपने साथियों के साथ उस टापू पर से स्मगलिंग करता है। जब भी किसी जहाज पर इनका सामान आता है, ये तैर कर उस जहाज तक जाते हैं, अपना सामान लेकर टापू पर लौट आते हैं। योर ऑनर, ये बातें, तीव्र रोशनी का दिखना, जहाज का अपने पथ से हटना, इन बातों ने मेरे मन में शंका पैदा की। मैंने अपने सहायक वरुण को समंदर पर नजर रखने को कहा और जैसे ही वहां संदेहजनक घटना घटती हुई दिखाई दी तो हमने पुलिस को सचेत किया। टापू के इस दहशत भरी कहानी का लाभ उठाते हुए तात्या और उसके साथी वहां से तस्करी करते थे। ये टापू मध्य भूमि के समुद्र तट और जहाज के बिल्कुल बीचों बीच है, जिस कारण से तात्या और इनके साथी बड़ी सरलता से तस्करी का सामान टापू तक ले आते थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ तात्या? हाँ साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उनको अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए इस धंधे में उतरना पड़ा। ये बताओ कि जिस रात आर्या साहब की मृत्यु हुई, उस रात तुम ही थे जिसने तीव्र रोशनी से संकेत दिया था किसी को? हाँ साहब, अपुन वहीं था। अपुन जब भी स्मगलिंग का माल वहां पर पहुंचाता था तो लाइट के द्वारा उसको इशारा करते थे। तुम्हारे बॉस को? कौन है ये बॉस जिसे संकेत देते हो? अपुन बिल्कुल नहीं जानता। अपुन को तो एक कागज पर लिख कर दिया जाता था कि क्या करना है, कैसे करना है। अपुन तो बस वो कीमती माल अपने टापू पर पहुंचाते थे और उसके बाद चले जाते थे। संभवतः आपके जो भी बॉस सबके सामने नहीं आना चाहते, इसीलिए ये नीति अपना रहे हैं। ये बताइए कि आर्या साहब के हेलीकॉप्टर को जमीन पर कैसे गिराया आपने, गोली मारकर? नहीं साहब, अपने को तो बंदूक चलाना भी नहीं आता। क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अचानक स्वयं ही उनका हेलीकॉप्टर वहां आसमान से छूटा और जमीन पर गिरा, स्वयं ही? हाँ, लेकिन जब अपन उसके पास गया ना, सब ऐसा लग रहा था कि जैसे ना किसी ने उसके ऊपर जादू टोना किया था। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। पाठक साहब ने जो अभी ये पर्दाफाश किया स्मगलिंग रैकेट का काबिले तारीफ है, लेकिन हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट और स्मगलिंग रैकेट का क्या कनेक्शन? योर ऑनर, इसी प्रश्न का उत्तर पाने मैं स्वयं उस टापू पर गया था, किंतु जो व्यक्ति मुझे ये जानकारी देने वाला था, दुर्भाग्यवश उसे मारकर, बड़ी बेरहमी से मारकर योर ऑनर छत से उल्टा लटका दिया गया था। काली परछाई टापू की कैद से आजाद हो गई है और वो भी ढूंढ लेगी मूर्ख। ऑर्डर, ऑर्डर। राजनाथ, आप अपनी ये बकवास बंद करेंगे या? सॉरी योर ऑनर, लेकिन मुझे लगता है कि स्वामी राजनाथ जी की बातों में कुछ तो दम है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जादू टोना है और उस टापू पर कोई भूतिया? नहीं, मैं समझाता हूँ योर ऑनर। एक नहीं, दो दो खून हुए, अब क्या वजह हो सकती है इस रहस्यमय बात? क्या है ना योर ऑनर, कोई भी जहाज हो, चाहे वो पानी में तैरने वाला या हवा में उड़ने वाला, उस टापू से दूर ही रहता है। और मोहन आर्या जी ने खुद तो अपने आप अपनी मौत को न्योता नहीं दिया होगा।
जाहिर सी बात है कि स्वामी राजनाथ जी के काले जादू की वजह से ही उस खूनी चट्टान ने वो जो हेलीकॉप्टर जिसमें मोहन आर्या जी सफर कर रहे थे अपनी ओर खींचा होगा। खैर, और एक बात है, ये केस अब उस मोड़ पे पहुंच गया है कि हाल ही में घटी एक घटना के बारे में मैं सबूत पेश करना चाहता हूं, और उसके लिए मैं नेहा शर्मा को कटघरे में बुलाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। यारोन, इजाजत है। हाँ सर, 3-4 महीने पहले की बात है, मैं और मेरा मंगेतर प्रताप, हम लखनऊ से आए थे, बहुत खुश थे। उस दिन हमारी नज़र एक बड़े से टापू पे पड़ी, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। सर मैं बता रही हूँ, ये सब उस टापू के वजह से हुआ है। वो टापू में ना कुछ है, उसने मेरे प्रताप को मारा है। ऑनर, इस सच्ची दास्तान से यह जाहिर होता है कि दुनिया में हर चीज इंसान के बस में नहीं होती, जैसे कि उस टापू की चट्टान में छुपी हुई मौत। मौत की कोई शक्ल नहीं होती यार ऑनर। पड़क सर, आप अब तो मेरी बात का यकीन करेंगे कि फिलहाल जायसवाल साहब, मृत्यु तो परम सत्य है, सत्य के कई रूप होते हैं और सत्य के पीछे कई कारण। योर ऑनर, ये मृत्यु, इस मृत्यु के पीछे किसी भूत प्रेत का नहीं, किसी मनुष्य का हाथ था, यह विश्वास मुझे पहले भी था। अब उस बंगले में एक और मृत शरीर पाए जाने के बाद मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। आपको सुनकर अचंभा होगा कि उस बंगले में जो मृत शरीर पाया गया वो मेरे मुवक्किल राजन थडानी के ही कर्मचारी का है। का ये कर्मचारी राजन जी के जहाजों की देखरेख की सूची बनाने का कार्य करता था, अर्थात योर ऑनर की वो सूची जिसका उपयोग अभियोग पक्ष महोदय ने मेरे मुवक्किल के विरुद्ध किया था, वो सूची भी उसी व्यक्ति ने बनाई थी। निष्पक्ष हो तो ये मान सकते हैं कि उस सूची में कुछ तो गड़बड़ था, और वो व्यक्ति मुझे बताए सूची में क्या गड़बड़, उससे पहले उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ सोचने वाली बात यह है योर ऑनर कि एक हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को एक भूत को छिपाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। मैं केवल इतना कहने का प्रयास कर रहा हूँ योर ऑनर कि उस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे किसी भूत या प्रेत का नहीं, किसी मनुष्य का ही हाथ है। योर ऑनर, समय के अभाव के कारण मैं उस टापू पर नहीं जा पाया, किंतु मैंने अपने सहायक वरुण को वहां भेजा है, वो वहां पहुंचता ही होगा। कुछ ही समय में वो दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की तस्वीरें मुझे भेजेगा, और उन तस्वीरों के द्वारा मैं इस केस को आगे बढ़ाऊंगा। कब तक मिलेंगे इस कोर्ट को तुम्हारे सुन? योर ऑनर, मैं अदालत से विनती करता हूं कि मुझे अपना फोन ऑन करने की अनुमति दी जाए ताकि मैं उसका कॉल रिसीव कर सकूं। अनुमति। धन्यवाद। वरुण बोल। केडी सर, यहाँ एक लड़का बड़ी बुरी हालत में पड़ा है, उसकी हालत बहुत खराब है, उसके फोन से मैंने आपको फोन किया, वो बच नहीं पाएगा। क्या खबर है केडी, क्या कहा तुम्हारे सहायक ने? योर ऑनर, एक बहुत ही बुरी खबर है। मेरा सहायक जब उस टापू पर पहुंचने वाला था उसके साथ भी वही घटना घटी, उसकी नौका चकनाचूर हो गई। वो इस समय अस्पताल में जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.